बजरंग दल गिरिडीह शाखा की एक बैठक सोमवार को हुट्टी बाजार स्थित बजरंग बली मंदिर में की गई। इस बैठक में हनुमत शक्ति जागरण कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बताया गया कि देशव्यापी हनुमत शक्ति जागरण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गिरिडीह के सभी प्रखंड एवं गिरिडीह नगर के सभी पंचायतों के मंदिरों में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। बताया गया कि मंगलवार को पूरे देश में कुमति निवार समिति के संगी सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से हनुमत शक्ति को जागृत कर कांग्रेस सहित आतंकियों के पैरोकार अन्य संगठनों तथा देश विरोधी और हिंदू विरोधी मानसिकता की सतबुद्धि हेतु भगवान बजरंग बली का आह्वान करेगा। विश्व हिंदू परिषद गिरिडीह के बजरंग दल सह संयोजक शंकर यादव और गुड्डू यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्नाटक कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में और उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में कांग्रेसी व कुछ अन्य हिंदू द्रोही नेताओं के द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा और बजरंग दल जैसे देशभक्त संगठन की तुलना PFI जैसे देशद्रोही आतंकी व हिंसक संगठन से करने से देश भर में बजरंगियों में एक जबरदस्त आक्रोश है। इस तरह की तुलना बजरंग दल के लिए और विशेषकर हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही अपमानजनक है। हिंदू समाज निश्चित रूप से इस तरह के अपमान का लोकतांत्रिक सबक हिंदू विरोधी शक्तियों को सिखाएगा।